कबीर कुक्स में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं बेसन और मावा के पेड़े। ये मैंने प्रसाद बनाया है गणेश जी के लिए। हमारी बिल्डिंग में गणेश जी को विराजमान किया गया है और उन्हीं का भोग लगाने के लिए मैंने ये पेड़े बनाए हैं, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी हैं और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसको बनाने में। बहुत आसानी से बनेंगे ये। और ये देखिए, मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। और इसको अगर बनाओगे ना तो मथुरा के पेड़े भी भूल जाओगे, है ना, क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट सॉफ्ट पेड़े। तो चलिए बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो पिसी हुई शक्कर ली है, जो मैंने घर पे ही ग्राइंडर में पीस ली थी, और आधा किलो बावा लिया है, 5 चम्मच मैंने पिस्ता की कतरन ली है, और ये इलायची पाउडर लिया है मैंने करीब 2 चम्मच 2 टीस्पून, और ये मैंने आधा बाउल घी लिया है, और आधा किलो मैंने इसमें बेसन का यूज़ किया है। और अब हम गैस को ऑन करेंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे, और उस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें घी डाल देंगे। ये घी को थोड़ा गर्म करेंगे। ये हमारा घी गर्म हो गया है और अब इसमें बेसन को छान के डाल देंगे। अरे, मैंने बेसन भी डाल दिया है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच रखनी है, अदरवाइज तले में हमारा जो बेसन है वो चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आप चलाते रहें। आधा किलो बेसन को सेकने में करीब हमें 30 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके से चलाते हुए कंटिन्यू आप बेसन को सेकें, और कुछ कुछ ये कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ऐसे ही चलाते रहें कंटिन्यू। वेरी यमी अरोमा, और इसमें से अरोमा भी आने लग गया है। अब ये सिक गया है और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये पेड़े हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। गणेश उत्सव की धूम है, एंजॉय करें और ये पेड़े बनाएं, गणेश जी को चढ़ाएं, खुश रहें। तो अब मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। गैस की जो फ्लेम है, अगेन मैंने बहुत स्लो रखी हुई है, एकदम स्लो पे रखा हुआ है, और इसमें मैंने डाल दिया है मावा, और अब इस मावे को हमें सेकना है। अच्छे से गर्म हो जाए ये, करीब हमें आधा किलो मावा को सेकने में हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। तो 5 मिनट्स में ये गर्म हो जाएगा, और फिर गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये आधा बाउल पिसी हुई शक्कर, जो करीब आधा किलो है। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें, और अब हम मावा और शक्कर को अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि हीट अप होने के बाद शक्कर मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए, एक सिरप रेडी हो गया है, और अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, और ये मावा और शुगर का एक सिरप टाइप का रेडी हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, कितना यम्मी लग रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा सिका हुआ बेसन था उसको, और इस बेसन को डालने के बाद हमें कंटिन्यू इसको चलाना है, छोड़ना नहीं है इसको, अदरवाइज इसमें लम्स आ जाएंगे। तो कंटिन्यू आप इसको चलाते रहिए। करीब इसको चलाने में हमें करीब 10 मिनट का समय लगेगा, और इसके बाद आप देख पाएंगे, ये देखिए एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये एक थिक सा डो टाइप से रेडी हो गया है, ये देख लीजिए आप। और गाइस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी पेड़े का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा हमें इतना ही करना है जिससे कि हम हाथों पे लेके इसको अच्छे से पेड़े बना सकें। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा घी लगाऊंगी, इस तरीके से हम इस पे सब तरफ अच्छे से घी लगा देंगे, और फिर इस मिक्सचर में से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हाथों पे पहले हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि चिपके ना हमारे हाथों पे। और अब इसका हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे एक, और अब हम इसे छोटी छोटी लोई कट करेंगे, ये देखिए इस टाइप से। इनकी ही हमें पेड़े बनाने हैं, तो शेप आप कोई भी रख सकते हैं अपने मन से, जो नॉर्मल पेड़े की होती है, मैंने तो वही रखी है, तो आप भी इस तरीके से बनाएं। तो ये देखिए रेडी है लोई सारी। अब हमें क्या करना है, एक हमें सर्कल रेडी करना है हाथ से, और ऐसे सेंटर में इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। सारे पेड़े हमें इसी तरीके से रेडी करने हैं। तो चलिए थोड़ी कबीर की भी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि उत्सवों का माहौल है, सीखेंगे कैसे वो, जब हम उन्हें ये सब काम करवाएंगे तभी तो कुछ समझ आएगा कि हाँ कुछ चल रहा है। तो ये देखिए,
कबीर भी मेरी हेल्प कर रहा है मिठाई कैसे एंड बनती ही है? इज़ वेरी हैप्पी। और ये देखिए सारे पेड़े रेडी हो गए हैं कबीर के। कबीर ने मेरी बहुत हेल्प की पेड़े बनाने में। 15 मिनट में मैंने 2 थाली भर के पेड़े बना लिए हैं। और सेंटर में अब मैं ये पिस्ता जो ये है पेड़ मैंने, उसको डालूंगी। पिस्ता से जो पेड़े होते हैं उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे बादाम या काजू या किशमिश, पिस्ता से लेकिन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने पिस्ता यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम सेंटर में थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबा के उनको पिस्ता लगाएंगे। और ये देखिए यम्मी टेस्टी हमारे बेसन मावा के पेड़ रेडी हैं। तो गाइस खाएं खिलाएं खुश हो जाएं। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सोसाइटी जो हमारी बिल्डिंग में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, छोटी सी झलक ली है। प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाय बाय, थैंक यू। Thank you.